हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फालूदा, जो कि हम दो तरह से बनाने वाले हैं। एक जिसमें हमने किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया है, और दूसरा अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से कैसे बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, हम एक कटोरा लिए हैं, थोड़ी सी चीनी जो हम एक टेबल स्पून लिए हैं, ठंडा पानी और बर्फ। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है इस तरह का एक थोड़ा मोटा पॉलीथीन बैग, कोई दूध वाला पैकेट हो या कुछ सॉफ्ट जिसमें ये कॉर्नर सा बन सके। इसे इस तरह से किसी ग्लास या किसी दूसरे बर्तन में जहां आप इसे अच्छी तरह से फोल्ड करके लगा सके, ग्लास के ऊपर लगा दे रहे हैं ताकि हमें फालूदा मिक्स पॉलीथीन में रखने में आसानी हो। लेकिन अगर आपके पास फालूदा मेकर है पहले से, इस तरह का मशीन जिसमें कि आप मठरी वगैरह भी बनाते हैं, इसका ये मोटा जाल है, इस जाल से ही आप फालूदा बना सकते हैं। तो यहाँ हम इस मोटे वाले जाल को सेट कर रहे हैं। इसमें एक थोड़ा इससे और भी पतला जाल आता है, अगर आप चाहें तो उसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। तेल लगा के हम साइड में रख लेंगे। एक कटोरा कॉर्नफ्लोर लिए हैं, तो इसी कटोरे से हमें पानी का भी माप रखना है। पानी हम 1.5 कटोरा लेंगे, 1.5 कटोरा। एक टेबल स्पून चीनी मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बर्तन में चिपक जाता है, तो उसे अच्छी तरह से घोल देना है। हम इसे तब तक घोलेंगे जब तक कि हमारा स्पैचुला फ्रीली घूमने लगे, तब तक इसे हमें चला करके कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल लेना है। और बनाते समय आप ध्यान रखें कि बर्तन आप नॉन स्टिक लें ताकि पक करके कॉर्नफ्लोर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चिपके और आसानी से आप उसे मिला सकें। इसी तरह से मिलाते हुए अब हमारा स्पैचुला इसमें फ्रीली घूम रहा है अच्छे से, कहीं पर भी हमें नहीं लग रहा है कि चिपका हुआ है कॉर्नफ्लोर पैंदी में। तो आइए अब इसे हम पका लेंगे। अभी हम गैस ऑन नहीं किए हैं, इसे फिर से एक बार और चला लेते हैं ताकि कॉर्नफ्लोर बिल्कुल ही नीचे चिपका हुआ नहीं रहे। ये बहुत ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लोर पैंदी में बिल्कुल नहीं चिपका रहे। और अब हम यहाँ गैस ऑन कर लेंगे और इसे कंटिन्यूअसली चलाते ही रहना है। इसे कंटिन्यूअसली चलाते ही रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही गर्म होगा तुरंत ये गाढ़ा होकर के पकने लगता है। तो इसे अगर थोड़ा सा भी छोड़ेंगे तो गांठ बन जाएगा, और पेस्ट में गांठ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर गांठ थोड़ा सा भी बनेगा तो पॉलीथीन से जो हम बनाने वाले हैं उससे बिल्कुल नहीं बन पाएगा फालूदा। तो हमें पेस्ट हमारा बिल्कुल स्मूथ चाहिए, तो इसीलिए इसे कंटिन्यूअसली ही चलाते हुए बनाना है। जैसे जैसे ये गर्म हो रहा है, ये गाढ़ा होने लगा है। अब देख सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे ही पैन गर्म हुआ ये बिल्कुल गाढ़ा होने लगा। तो यही सावधानी रखना है कि इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, और इसी तरह से चलाते हुए ध्यान रखना है इसमें गांठ नहीं बने। तो यहाँ हम गैस ऑफ कर लिए,
और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है तुरंत। आप देखें हल्का सा जैसे ही गर्म हुआ हमारा पैन, ये बिल्कुल पक चुका है। तो अब हम सबसे पहले पॉलीथीन में इसे भर लेंगे। तो इस तरह से हम ग्लास में इसे पॉलीथीन को लगा के रख लिए हैं और इसे इसमें तरह से इसे भर लेना है पॉलीथीन में। आपको मशीन से भी बनाकर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से मशीन से हम बनाएंगे। तो आधा इसलिए हम रख लिए हैं, ये काफ़ी गर्म रहता है तो सावधानी से निकालना है। और इसे एक कॉर्नर में हम शिफ्ट कर देंगे पूरे पेस्ट को, इस तरह से एक कॉर्नर में पूरे पेस्ट को हम शिफ्ट कर लेंगे। मशीन से कैसे बना वो भी दिखा देते हैं। तो हमने मशीन में पहले ही ऑयल लगा के रखा हुआ है, बाकी का ये पेस्ट हम इस तरह से इसमें भर लेंगे। और इसे इस तरह से बंद कर देना है। कटोरे में हम ठंडा पानी रख लिए हैं, उसमें थोड़े से बर्फ हम डाल लेंगे। पॉलीथीन को जिस तरह से मेहंदी के कोन को हम काटते हैं, उसी तरह से यहाँ पॉलीथीन के कोने को काट लेना है। और चूंकि ये गर्म रहता है तो हाथों में हम मिटिंस लगा लेंगे या किसी तौलिया से इसे हम पकड़ लेंगे। और फिर इस तरह से आसानी से हम फालूदा बनाते जाएंगे। कटोरे में ठंडा पानी लेना है और उसमें कुछ बर्फ रख देना है और इस तरह से हाथों में मिटिंस लगा लेंगे ताकि हमें गर्म ना लगे या किसी तौलिया या किसी कपड़े से हम उसे पकड़ लेंगे। और फिर आसानी से इस तरह से घुमाते हुए हमें बनाना है। और ये जितना आपका पेस्ट स्मूथ रहेगा उतनी आसानी से बनेगा, अगर पेस्ट में थोड़ा सा भी गांठ रहेगा तो ये नहीं बन पाएगा। इसी तरह से हमें पूरा फालूदा बना लेना है और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अभी हाँ इसको छूना नहीं है, नहीं तो बीच से ये टूटने लगेगा। हल्का सा मशीन भी गर्म हो जाता है पेस्ट डालने के बाद, अगर गर्म लगे तो आप तौलिया या किसी कपड़े से पकड़ सकते हैं। इस तरह से घुमाते हुए हमें बना लेना है। हल्का सा इसे तोड़ लेंगे और इसे अभी नहीं छूना है, इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको आप प्लेट लगाते समय अगर बहुत लंबा लच्छा हो तो आप काट भी सकते हैं। तो इसी तरह से पॉलीथीन में ही आप आसानी से बना सकते हैं फालूदा। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपके पास फालूदा मेकर हो ही। ये रहा हमारा दूसरा कटोरा फालूदे का, जो कि हमने मशीन से बनाया था। तो इस तरह से आप बिल्कुल ही आसानी से घर में फालूदा बनाएं। अब जब हमारा फालूदा बनके तैयार है तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका हम कोई ड्रिंक्स बना सकते हैं या रबड़ी वाला कटोरा भी हम इसका बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सब्जा का बीज, इसको तूत मलंगा भी कहते हैं। इसे थोड़ा सा पानी डाल के हम भींगने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट में अच्छे से भींग जाता है। रोज सिरप, दूध, गाढ़ा किया हुआ हमारा दूध है। ये हम 1 लीटर दूध को 1/2 लीटर से भी थोड़ा कम कर लिए हैं और उसमें चीनी, इलायची पाउडर और बादाम और थोड़ा पिस्ता कूटकर हमने डाला है और इसे फ्रिज में हम ठंडा कर लिए हैं। और हमें चाहिए बर्फ,
सबसे पहले हम फालूदा रखेंगे। अब हमें यहाँ इसके ऊपर से डालना हमने जो सब्जा का बीज भिंगाया है, सब्जा या तूत मलंगा, आप मार्केट में सब्जा का कर ये बीज ले सकते हैं आसानी से, कहीं पर भी किराने स्टोर में मिल जाएगा। और इसके ऊपर हमें डालना है रोज सिरप। रोज सिरप डालने से बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, तो इस तरह से हल्का सा हम ग्लास में भी लगा देंगे ताकि हमारे फालूदा ड्रिंक्स का कलर बहुत अच्छा दिखे। और अब हम डालेंगे इसमें क्रश किया हुआ बर्फ। बर्फ को हम मिक्सी में पीस लेंगे और ये पीसा हुआ बर्फ हमें चाहिए। और इसके ऊपर से हम डालेंगे हमारा दूध जो हमने गाढ़ा करके रखा है ड्राई फ्रूट्स वगैरह के साथ, ठंडा दूध हमें यहाँ चाहिए। और इसके ऊपर से हम डालेंगे सब्जा का बीज और थोड़ा सा रोज सिरप। रोज सिरप डालने से इसका कलर और स्वाद दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आप देखें हमारा शाही ड्रिंक्स तैयार है। और अब हम बनाएंगे फालूदे वाली रबड़ी की कटोरी। सबसे पहले हम लेंगे फालूदा, इसके ऊपर हम रखेंगे सब्जा का बीज, इसके ऊपर से हमें डालना है रबड़ी जो कि हमने दूध को फुला कर बनाए हैं। इस तरह से गाढ़ा रबड़ी बना लेना है और इसे फ्रिज में बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इस कटोरे में हम पिसा हुआ बर्फ नहीं डालेंगे, नहीं तो रबड़ी हमारा पिघल जाएगा, पतला हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। और इसके ऊपर से हमें डालना है सब्जा का भिंगोया हुआ बीज। और अब हम इसके ऊपर से रोज़ सिरप डालेंगे। रोज़ सिरप डालते ही हमारे शाही कटोरे का लुक बदल जाता है, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत लाजवाब होता है। अगर आपको सब्जा का बीज नहीं पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है। इसका तासीर बहुत ठंडा होता है। तो इस तरह से आप भी ये दोनों शाही ड्रिंक्स और शाही कटोरा रबड़ी वाला बनाएं, खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप इसे ज़रूर बना करके खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।